नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरभि सोनी और आप सभी का स्वागत करती हूं दूरदर्शन बिहार के कार्यक्रम नन्ही दुनिया में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम नन्हे कलाकारों के कला का प्रदर्शन देखते हैं। दोस्तों, बचपन बहुत ही ख़ास पल होता है ज़िंदगी का। चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, बचपन का जो फेज़ होता है सबसे ज़्यादा यादगार और खुशनुमा होता है। बचपन में हम क्रिएटिविटी भी बहुत उभर के देखने को मिलती है। क्रिएटिविटी बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, जैसे किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को डांस करना, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में निपुण होता है, या फिर किसी को पेंटिंग करना पसंद है। तो इसी तरह बहुत सारी क्रिएटिविटी है जिसमें हर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो आज इसी क्रिएटिविटी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पोएम यानी कविता के माध्यम से। दोस्तों, कविता के ज़रिए हम अंदर चल रहे फीलिंग को बहुत कम शब्दों में स्पष्ट करते हैं, साझा करते हैं, या यूँ तो कह लें कि किसी व्यक्ति कविता के ज़रिए किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी कविता का सफ़र करने हम चल पड़े हैं हमारे कुछ खास मेहमान के साथ, जो कि हैं हमारे नन्हे कलाकार, नन्हे सितारे, और जिनकी कविताओं से हम आज रूबरू होंगे। तो चलिए परिचय कराते हैं हम आपका हमारे खास मेहमानों से। तो आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रत्यक्ष राज है। और आज आप हमें कविता सुनाने वाले हैं, तो वो किस विषय पर है? जो आज मैं कविता सुनाने वाला हूँ वो देशभक्ति के ऊपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं डीडी बिहार को नमस्कार करना चाहता हूँ तथा उनके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ एवं एंकर मैम को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं प्रत्यक्ष राज हूँ और आज मैं आपके सामने सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा लिखी गई वीरों का कैसा हो वसंत कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगा। वीरों का कैसा हो वसंत की कुछ पंक्तियों का वर्णन करने जा रहा हूँ। आ रही हिमालय से पुकार है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नवापार, सब पूछ रहे दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत वीरों का कैसा हो वसंत। धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा कविता आपने सुनाया, और जो कि वीर जवानों पर हमारे आधारित है। तो चलिए बच्चों, इनके लिए एक बहुत ज़ोरदार तालियां बजा दो। अब मैं अपने अगले कलाकार से बात करना चाहूँगी। तो क्या नाम है आपका? प्यारा डुक्कर। और आज आप हमें कविता किस विषय पर सुनाने वाले हैं? बात पते के लेना जाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात पते के लेना जाम, अच्छी लगती है मुस्कान, जिसकी प्यारी है मुस्कान, इससे खुश रे भगवान। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों तालियां बजा दो, बहुत अच्छा था। तो हम लोग नेक्स्ट अपने कलाकार के पास चलते हैं। तो आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? श्रद्धा। और आप किस विषय पर हमें गाना सुनाने वाले हैं, कविता सुनाने वाले हैं? बड़ी सयानी तितली रानी, फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुरा कर अपने पंख सजाती है। बड़ी सयानी तितली रानी मेरा मन ललचाती है, जब मैं उसे पकड़ने जाता इधर उधर उड़ जाती है। बड़ी सयानी तितली रानी फूल फूल पर जाती है। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने तितलियों पर बताया और उनका कैसे वो अपने जीवन में, अपने लाइफ में करते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो बच्चों इनके लिए तालियां बजा दो। तो चलिए अब हम अगले कलाकार से हम लोग बात करते हैं। तो आप हमें बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जेंसी सिंह। और आप हमें किस विषय पर कविता सुनाने वाले हैं? तितली उड़ी। तो शुरुआत करें। ठीक है, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कही मैं उड़ी आकाश। वेरी गुड, लगता है आप लोगों को तितलियाँ बहुत पसंद है, सब तितलियों के बारे में ही सुना रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इनके लिए भी तालियां बजा दो सर। अब हम अपने अगले कलाकार के पास चलते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अक्षिता दे।
अक्षता, आप हमें किस टॉपिक, किस विषय पर आप सुनाने वाले हो कविता? कुकुआरा जंगल का राजा। शुरुआत करें, चलिए। कुकुआरा जंगल का राज है, कुकुआरा जा में बैठा है, गाओ कुकुआरा गाओ, कुकुआरा जैसे तुम बन जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा था, इनके लिए भी तालियां बजा दो सर। आप और भी कविता सुनाना चाहते हैं? जी, मैं कविता के अलावा श्लोक भी सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये श्लोक किस चीज़ पर आधारित है? यह संस्कृत का श्लोक है जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आधारित है, और वो बताता है कि हमें अपने बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक लाइफ लेसन होगा जो संस्कृत के श्लोक में आप श्लोक के जरिए आप हमें सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करिए। अभिवादन शीलस्य नित्वं चत्वारि वृद्धो पसे विना चत्वारि तरसे वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस श्लोक का यह अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने बड़ों का आदर सत्कार करता है तथा अपने बड़े बुजुर्गों के नमस्कार करता है, उनकी रोजाना चार चीज़ों में वृद्धि होती है, आयुर्विद्या यश और बल में। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूँगी आप सभी इसको अपने जीवन में अमल करें, और ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ों का सम्मान सदा ही करना चाहिए, इसी से इंसान बनते हैं, और आशीर्वाद ही सबसे बड़ी कीमत दौलत होती है एक इंसान की। तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे अपने दूसरे कलाकार के पास। अब हम आपसे पूछेंगे श्रद्धा, आप कौन सा कविता हमें सुनाना चाहती हैं? छुक छुक करती रेल हमारी। चलिए शुरुआत करिए। छुक छुक करती रेल हमारी, हम सब करते उसकी सवारी, चलते चलते सीटी बजाती, इधर उधरिया खूब घुमाती, स्टेशन छूटा भागी रेल, सर पर चलती मुंबई मेल। वाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया श्रद्धा। श्रद्धा, इसकी कविता लिखने के अलावा भी आपके का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है? डांसिंग। डांसिंग, तो आप डांस वीडियोस बनाते हो या घर पे करते हो या किसी से सीखते हो? मैं ना डांसर से सीखती हूँ। अब हम नेक्स्ट अपने कलाकार से बात करते हैं, तो चैंसी आप बताइए कुछ अलग कविता हमें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो दर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। अब हम नेक्स्ट अपने कलाकार से बात करते हैं, तो अक्षिता आप बताइए हमें कोई पोएम बताइए या कोई कविता। ट्विंकल ट्विंकल, शुरुआत सुनाइए आप हमें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। और चलिए अक्षिता आप हमें ये बताइए, आपका इसके अलावा भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है? Yes. क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई करना, अच्छा, उसके अलावा, पढ़ाई करने के अलावा। अच्छा, आप ये बताइए आप हमें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है दूसरों को सिखाने का, बहुत अच्छी बात है। और आप कविता में आपको इंटरेस्ट कैसे आया? आप हमेशा देखते हो कुछ? हाँ। चैनल्स देखते हो कविताओं वाला? ओके, कोई बात नहीं। प्रत्यक्ष, चलिए अब आप बताइए, आपको कविता लिखने में कब से इंटरेस्ट आया और आप कब से लिख रहे हैं? जब से मैंने अपने एकेडमिक सेशंस को शुरू किया है, करीब क्लास वन से मुझे कविता लिखने में इंटरेस्ट आया, और मैं और सब कवियों कवि तथा कवित्रियों की भी कविता को पढ़ के उसे याद करके मुझे सुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ये स्कूल में भी करते हो या फिर अपने पास ऐसे ही करते हो आप? अगर हम लोग को स्कूल में जनरली जब भी कविता जनरली याद करने दिया जाता है तब हम लोग करते ही है, साथ साथ मैं अपने घर पे एज अ हॉबी भी इसको कविता को लर्न करता हूँ, या फिर जनरली कभी भी एज अ म्यूजिकल ट्यून उसको गाते रहता हूँ। तो आपका कविता लिखने के अलावा भी किसी चीज़ों में इंटरेस्ट है या कोई हॉबी आपका? नहीं, हॉबी तो कुछ वैसा नहीं है, कविता एक जनरली है, और दूसरा जो मेरा मेन वर्क है वो अभी फिलहाल तो स्टडीज ही है।
अच्छा, तो इसके अलावा आप किसी गेम वगैरह में या कई और चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं? ओके, और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? वैसे तो मैं बड़े होकर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड, सिविल सर्विसेज में जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे और एक योगदान देंगे, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूँगी टियारा से, तो टियारा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर? डॉक्टर बन के कैसे आप सेवा करेंगे लोगों का? ऑपरेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। टियारा, अब आप हमें कोई कविता सुनाइए। हाँ बिल्कुल, सुनाइए। मेरी कविता का शीर्षक है हिलमिल करो, हिलमिल करो, सब प्यार करो, मीठी मीठी बात करो, प्यार करोगे प्यार मिलेगा, प्यार से दुनिया चल गई। बहुत अच्छा, सबको मालूम अपने संग खेला करो, प्यार करोगे प्यार मिले, प्यार से दुनिया चले। और भी है? अच्छा, वेरी गुड, तालियां बजा दो सर। तो टियारा आप और बताओ, आप और किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो? कुछ गेम वेम खेलते हो? कविता लिखने के अलावा क्या करते हो आप? कुछ भी गेम वेम खेलते हो, कुछ भी टीवी देखते हो या क्या करते हो आप? गुड, खेलना भी चाहिए। चलिए अब हम हमारे अगले कलाकार से बात करते हैं। तो श्रद्धा, आप हमें कोई कविता सुनाइए। इंग्लिश कविता हो तो सा? हाँ बिल्कुल चलेगा। 1, 2 बकल माई शू, 3, 4 श्रद्धा दो, 5, 6 पिकअप स्टिक्स, 7, 8 लेडम स्ट्रेट, 9, 10 अ बिग फैट हैन। वेरी गुड, तालियां बजा दो सब। तो श्रद्धा आप एक टमाटर लाल लाल जैसे मेरे गाल लाल, तुम भी खाओ हम भी खाए सब हो जाए लाल लाल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं आपको बता दूं कि आपका गाल भी एकदम टमाटर की तरह भी लाल लाल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप बताओ चैंसी, आप और कुछ करते हो, इंटरेस्टेड हो गेम वेम खेलने में या कुछ और भी चीज़ें जो आपको पसंद हो? हाँ। क्या करते हो आप? मैं खेलता हूँ। अच्छा, क्या क्या गेम आप खेलते हो? मैं खेलता हूँ वर्ड्स। क्रॉसवर्ड? नहीं, वर्ड्स। अच्छा, वर्ड्स के साथ खेलते हो आप? हाँ। इससे तो वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आप क्या करते हो? मैं उसके अलावा खेलता हूँ अपना कार। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रद्धा आप मुझे बताओ कि आप और क्या करते हो? मेरा तो डांसिंग ही है। डांस है, उसके अलावा और भी किसी चीज़ों में इंटरेस्ट उतना नहीं है? मेरा भी तो डांसिंग। पढ़ाई। अच्छा पढ़ाई, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए अब हम आते हैं अक्षिता पे। तो अक्षिता आप बताइए, आप कुछ हमें कविता सुनाइए। बात पते की लेना जान, बात पते की लेना जान, अच्छी लगती है मुस्कान, जिसकी प्यारी हो मुस्कान, उससे खुश रहते भगवान। वेरी गुड, तालियां बजा दो सर। अब मैं प्रत्यक्ष से बात करना चाहूंगी। प्रत्यक्ष, आप हमें कोई कविता सुनाना चाहते हैं? हाँ, मैं कविता सुनाना चाहता हूँ जो कि हमारी भारत की विविधता को दर्शाता है। ये कविता मैं बंजारा लेक तारा कविता है और इसे मैंने अपने कक्षा 2 में पढ़ा था। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद है। मैं बंजारा लेक तारा घूमा भारत सारा, कहीं खरे पर्वत बर्फीले, कहीं रेत के ऊंचे टीले, जंगल कहीं कहीं है दलदल, कहीं झील झरनों की कलकल, सागर कहीं हिलोरे लेता, कहीं नदी की धारा, मैं बंजारा लेक तारा घूमा भारत सारा। वेरी गुड, बहुत अच्छा था। और इस कविता के अलावा भी कुछ आप सुनाना चाहोगे? हाँ, मैं
दो कहानियां सुनाना चाहूंगा। मुझे वो पंचतंत्र से मैंने कहानी को पढ़ा है। सबसे पहली कहानी है कि इस कहानी की जो शिक्षा है कुछ ऐसी है कि मूर्ख लोगों को हमें अपने सेवक को किताब पे कभी नहीं रखना चाहिए। हुआ था यूं कि जब एक राजा अपने जंगल में गया तो वहाँ पे उसे एक बंदर दिखा जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत था। तो राजा ने सोचा कि बंदर बहुत अच्छा सेवक बन सकता है, तो उसने उस बंदर को अपने साथ रख लिया अपने ही राजमहल में। तो फिर क्या हुआ कि बंदर बहुत अच्छा सेवक था, पूरे राजमहल में उसके चर्चे होते थे कि एक बंदर होकर भी ये बहुत अच्छा सेवक भी है। एक दिन जब राजा अपने अपने बिस्तर पर सो रहा था तब वो बंदर उसकी सेवा कर रहा था। उसी समय एक मक्खी उड़ते हुए आसपास राजा के मंडराने लगी। तो बंदर ने सोचा ये मेरे मालिक को परेशान करेगा, मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगा। तो फिर बंदर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी मक्खी नहीं मानी। आखिरी में मक्खी राजा के गले पर आकर बैठ जाती है। उसके बाद बंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसने राजा की तलवार निकाल कर उस मक्खी को मारने के लिए पूरी जोर से हमला किया। उससे मक्खी तो नहीं मरी, मक्खी तो उड़ गई, मगर राजा का गला ज़रूर कट गया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्ख लोगों को कभी अपना सेवक नहीं बनाना चाहिए। और इसी चीज़ से एक और कहानी है जो कि पंचतंत्र की है। ये एक बंदर और एक मगरमच्छ की दोस्ती की कहानी है, जिसमें एक मूर्ख मगरमच्छ अपनी बहन के धोखे में आकर अपने सबसे प्रिय दोस्त को मारने की योजना बना लेता है। ये कुछ ऐसा होता है कि जब एक बंदर जामुन के पेड़ के पास रहता था जो कि समुद्र के बहुत ही पास था। उस जामुन के पेड़ में बहुत ही ज़्यादा मीठे फल आते थे और उसी जामुन के पेड़ के बगल में एक मगरमच्छ रोज आकर सोया करता था। एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ ने बंदर से बात की, बोली मगरमच्छ ने कहा कि कैसे हो भाई, तुम्हें बहुत दिन से मैंने देखा है, क्यों ना हम दोस्ती कर ले। तो फिर वो दोस्ती कर लेता है, लेकिन फिर बंदर को उस पर शक होता है। तो फिर उसने क्या किया, अपनी दोस्ती को पूरी तरीके से निभाने के लिए उसने मगरमच्छ को कुछ उसी पेड़ के जामुन दिए। तो वो जामुन मगरमच्छ को बहुत ही ज़्यादा मीठे लगे, तो उसने चाहा कि मैं बंदर से और ज़्यादा वो जामुन मांगूँ और अपनी बहन को भी खिलाऊँ। तो फिर ऐसे करते करते इन दोनों के बीच दोस्ती बहुत बढ़ गई। कुछ दिनों बाद जब मगरमच्छ एक बार अपने घर में था तब उसकी बहन उसको बोलती है कि भैया ये जो बंदर आपको जामुन देता है, ये जिस जामुन के पेड़ पर रहता है उसके जामुन की मिठास कितनी ज़्यादा है, तो सोचो कि वो जामुन खाने वाला बंदर का हृदय कितना मीठा होगा। तो मगरमच्छ ने पहले बार में इनकार कर दिया कि ये ठीक नहीं है, वो मेरा सबसे प्रिय दोस्त है। मेरे कुर्सी में तो फिर उसकी बहन बोलती है भैया आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते और आप एक बंदर के लिए मुझसे पक्ष हटा रहे हो। तो फिर उसका भाई मजबूरन जाकर बंदर को बोलता है कि भाई चलो, मतलब सबसे पहले वो बहाना बनाता है डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोल सकता है मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो सबसे पहले वो बहाना बनाता है कि भाई मेरी बहन ने तुम्हें घर पर दावत के लिए बुलाया, चलो मेरे घर समुद्र किनारे है, समुद्र के दूसरे किनारे है, तो वहाँ पे मेरी बहन ने दावत का इंतजाम किया है। तो बंदर ने कहा कि भाई मैं तो तैर नहीं सकता हूँ उतने गहरे पानी में। तो मगरमच्छ ने कहा कि ठीक है तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो जब बंदर उसकी पीठ पर बैठता है तो फिर मगरमच्छ उसे लेकर बीच समुद्र के पास चला जाता है। बीच समुद्र के पास एक टापू के पास जब थोड़ी देर वो लोग आराम करने के लिए रुकते हैं तो मगरमच्छ उसे पूरी बात बताता है कि सही मायने में ये है कि मेरी जो बहन है वो तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारा हृदय बहुत ही अच्छा लगता है। और उसने सोचा कि जो बंदर इतना मीठे जामुन खाता होगा उसका हृदय कितना मीठा होगा। तो फिर बंदर ने बहुत ही चतुर तरकीब लगाई और उसने मगरमच्छ को कहा कि अरे तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, मैं बहन के लिए अपने हृदय ले आता, लेकिन अभी तो मैंने उस हृदय को पेड़ पर ही छोड़ दिया है, तो अब बताओ कैसे होगा। तो फिर कैसे मैं हृदय ले जाऊंगा बहन के लिए। तो फिर मगरमच्छ ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पेड़ पर दोबारा ले चलता हूँ, चलो तुम्हारे टापू के पास जो पेड़ है वहाँ पे।
तो जब मगरमच्छ बंदर को वहाँ लेकर जाता है तो बंदर झटपट पेड़ पर चढ़ जाता है और उसने अपनी जान बच डाली। और उस मगरमच्छ को बंदर ने कहा कि मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आता कि किसी जानवर का हृदय निकाल कर वो जीवित ही नहीं रह सकता है, और तुम बहुत ही बड़े धोखेबाज हो जिसने इतनी अच्छी दोस्ती सिर्फ एक हृदय के लिए तोड़ दी। धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा प्रत्यक्ष आपने। तो हमें ये चीज़ समझ इस कहानी से सीखनी चाहिए कि जीवन में समझदारी के साथ साथ चतुराई भी बहुत ज़रूरी है। ये एक अच्छा व्यक्तित्व का रूपांतर है। तो मैं इसी के साथ अपने अगले कलाकार से बात करना चाहूँगी। तो टियारा, आप हमें कौन सा कविता सुनाने वाली हैं आज? एक कुआ प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कुएं ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कुएं ने पिया पानी, खत्म हुई पानी। वेरी गुड, वेरी गुड टियारा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने अगले कलाकार के पास, श्रद्धा। तो आप हमें कुछ पोएम सुनाने वाले हो, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन ये तो इंग्लिश वाला। कोई बात नहीं, चलेगा, सुनाओ। बैरा केक बेकर्स मैन, बेक मी अ केक एज फास्ट एज यू कैन, बैरा क्रिकेट एंड मार्कर विद द बी, एंड वुड इन द ओवन फॉर बेबी एंड मी। वेरी गुड, वेरी गुड श्रद्धा। और इसके अलावा भी आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है पोएम के अलावा? मैं कुछ अपने करना पसंद है? मैं अपने भैया के साथ गेम्स खेलती हूँ, क्ले बनाती हूँ, डांसिंग करती हूँ। अच्छा, क्ले में क्या क्या बनाते हो आप? मैं एक चीज़ बनाई थी। क्या? फोन। वेरी गुड। एंड मैं पेंटिंग भी करती हूँ। पेंटिंग करते हो आप? वाटरमेलन बनाई थी मैं। बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें करनी भी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं अक्षता के पास। तो अक्षता, आप हमें कोई पोएम सुनाने वाले हैं, कविता सुनाने वाले हैं? मिलके रहो, सब प्यार करो, नहीं मीठी मीठी बातें करो, प्यार करोगे प्यार मिलेगा, प्यार से दुनिया चले, अपने जैसा सबको मन, सबके संग खिला करो। वेरी गुड अक्षता। और आप दूसरा भी कोई पोइम सुनाने वाले हो? आज शाम को 7 बजे हम बच्चों का बैंड बजे, आज शाम को 7 बजे हम बच्चों का बैंड बजे, वक्त पे आना भैया, टिकट कटाना भैया, 10-10 पैसे बस, सस्ता है हमारा सर्कस, दिलों में बसता है सर्कस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा अक्षिता। और कोई कविता आप सुनाना चाहोगे? लगती सुंदर न्यारी न्यारी, कभी गोद में हमने खिलाया, कभी प्यार से हमने पढ़ा। और कोई कविता? आओ चले हम चिड़ियाघर, घूम घूम कर सैर करेंगे, वहाँ पर होगा एक बड़ा से, देखेगा जो आँख तरे, जल में होगी मछली रानी, आओ चले हम देखे पानी। वेरी गुड। और कोई कविता या कोई गाना आप सुनाने वाले हो? हाँ, सुनाओ आप। फूलों के तारों का सबका कहना है, 1000ों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। वेरी गुड। और कोई कविता? रोटी पकाओ बेबी रोटी पका, आज की रोटी जली पका, मम्मी को दो वे पापा को दो, बाकी रोटी दीदी को दो। तो दोस्तों, वक्त हो चला है शो को आगे बढ़ाने का। मैं भी अपने सारे नन्हे कलाकारों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने प्रोग्राम में आकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योगदान दिया। तो चलिए तालियां बजा दो। दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप में भी कोई टैलेंट है और कोई प्रतिभा है जिसे आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो ये मंच, ये कार्यक्रम आपका ही है। आप यहाँ आकर अपने कला का रंग बिखेर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है
निदेशक डीटी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना, पिन कोड 800001। आप ईमेल के ज़रिए भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं या अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.dtkpatna@gmail.com। इसी के साथ दोस्तों, मैं सुरभि सोनी, आपकी होस्ट और दोस्त, आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए दूरदर्शन बिहार। नमस्कार।